ओके सो फाइनली द डे इज़ हियर. कॉलेज लाइफ का आखिरी एग्जाम. फीलिंग बिट नॉस्टैल्जिक क्योंकि अब शायद कभी देर रात तक लास्ट नाइट फाइट नहीं होगी. एंड दैट फीलिंग दिस विल बी द लास्ट डे विल वेयर दैट कॉलेज यूनिफॉर्म इज जस्ट चोकिंग मी फ्रॉम इनसाइड. अब शायद कोई एग्जाम की सुबह कॉल करके भाई सिलेबस निकाल फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक से शुरू हो जा ये नहीं कहेगा. पता ही नहीं चला स्कूल एग्जाम से कब कॉलेज एग्जाम्स आ गए और कब 5 साल बीत गए और कब लाइफ में लाइफ थोड़ी कम और एग्जाम्स थोड़े ज़्यादा हो गए. उन कॉलेज की सीढ़ियों पे दोस्तों के साथ पता नहीं कब बैठ पाएंगे. ना चंदू के समोसे होंगे, ना कैनवस में दंगे होंगे, ना कॉलेज के बाहर बेंच में बैठे हम लफंगे होंगे. अब ना कंप्यूटर लैब के बाहर जूते उतारेंगे और ना ही MI के फ़ोन से प्रोजेक्टर बंद करके प्रोजेक्टर का वायरस वाला भूत उतारेंगे. वो एक फीलिंग होती है ना कुछ अच्छे कुछ बुरे चेहरों को हर रोज़ देखने की. कुछ वो सीनियर और जूनियर के चेहरे जिन्हें देखने के लिए हम कॉलेज जाया करते थे, कुछ चेहरे वो भी जिन्हें देखने का दिल भी नहीं किया करता था. आज उन्हीं सब चेहरों को बस ठहर के देखते रहने का जी करता है और उन सब चेहरों से दूर जाने के ख्याल से भी दिल डरता है. अब ना आशीष सर से, नागिन की आंखों में सर सच में कैमरा होता है क्या, खून की और मछली की बारिश कैसे होती है सर, ये उलूल जुलूल सवाल पूछ पाएंगे. ना HKPan सर से वॉशिंग मशीन में लस्सी बनाने का राज जान पाएंगे. नरेंद्र सर से अब शायद हम अपने वर्ड्स कभी वापस नहीं ले पाएंगे. सुनील सर से अब शायद आखिरी बार सर मत्थे सलाम होगा. अब कोई रात में कॉल करके समझा दे यार नहीं कहेगा, कितना पढ़ लिया, अबे यार अभी तो बस सिलेबस लेके बैठ ही रहा हूँ, सुन पिछले साल के पेपर पढ़े तो प्लीज़ दे दे, ये बातें अब कोई नहीं कहेगा. अब ना कभी वो डर होगा, सुन यार अभी 2 यूनिट हुई हैं, 12 बज गए हैं, सुन पॉसिबल भी है क्या पूरा कोर्स, आज पक्का नहीं सोऊंगा, पास तो हो जाऊंगा ना. अब ना जाने कब ये खौफ भरी बातें होंगी, अब तो बस यादें हैं और शायद अब ये यादें ही साथ होंगी. आई थॉट इसमें बहुत सारी चीज़ें जो राइमिंग नहीं है, सो वाई नॉट टू कट इट डाउन और मेक इट चेंज. फिर रियलाइज़ किया दीज ऑल आर माई फीलिंग्स, तो इसमें क्यों एडिट या चेंज करूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम. थैंक यू.